अभी भी पुराने निशान दिख रहे हैं। देखिए ये वाली अभी भी पानी के अंदर है थोड़ी सी, और ये ऐसे ही ब्रिज के नीचे से पार करते हुए जाएगी ये पूरी मीटर गेज। तो ये सब पार्ट्स उन पुलों के हैं, रिटायर हो चुके हैं और खोल दिए गए हैं। सब पुल आप देख रहे हैं, सारे पार्ट्स खुले। हेलो गाइस, मैं हूं दीपक और फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आपको सबसे पहले तो धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ये धनतेरस आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए और आपके सारे सपने पूरे करे। तो दोस्तों इस शहर में मेरा जन्म हुआ है, माँ गंगा के आशीर्वाद से माँ गंगा के दर्शन करे, इन्हीं को देखते हुए पले बड़े। पर दोस्तों इस बात की जानकारी मुझे कभी भी नहीं थी कि ये माँ गंगा की धाराएं अपने जल के अंदर क्या क्या छुपा रखा है। कि हर बार गंगा बंदी होती है, हर साल किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को सोना चांदी सिक्के सब मिलते थे, पर दोस्तों पहली बार मुझे तक नहीं पता था गंगा के नीचे से हर की पौड़ी पे निकल रही है एक रेलवे लाइन। दोस्तों रेलवे लाइन निकल रही है हरिद्वार से, और वो भी अंग्रेजों के जमाने की। कल या परसों में फिर से गंगा जी वापस आ जाएंगी यहाँ पर हर की पौड़ी में, और वो रेल लाइन फिर मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो मैंने सोचा आज आपको रेल लाइन दिखाई जाए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। तो दिखाते हैं अंग्रेज जमाने की कैसी है रेल लाइन और कहाँ निकली है हर की पौड़ी पे। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, दिखाता हूँ धनतेरस पे हर की पौड़ी का ताजा हाल भी दिखाता हूँ, कैसी चल रही है तैयारी, कब तक आ जाएगा जल, सारे सवाल इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो का एंड तक देखते रहें। तो आज है 22 अक्टूबर धनतेरस का दिन, और आप देख सकते हैं सामने हर की पौड़ी का नज़ारा। और हर की पौड़ी वही बिना गंगा के एकदम सुनी सुनी, और लोग जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे गड्ढे भी हैं। तो आप अगर आ रहे हो, और बहुत जने मुझसे सवाल कर भी रहे थे कि कब तक आ जाएगा जल, तो दोस्तों हर की पौड़ी पे जल आ जाएगा दिवाली की शाम 5 बजे, यहाँ पर जल आ जाएगा। तो ये आप सबसे पहले ये ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज हर की पौड़ी पे बहुत सारे लोहे के ब्रिज है, फिलहाल तो अब कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही ब्रिज बचा है धनुष पुल जो आप सामने देख रहे हो। इसके अलावा अब कोई ब्रिज नहीं है, सारे ब्रिज बुलडोजर तोड़ दिए गए। और ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये ब्रिज ये है अंग्रेजों के ज़माने का, देखिए आज भी काम में है, मतलब अब जो उनकी बनाई चीज़ें हैं। और जो सबसे खास है ना, सबसे खास चीज़ है वो है ये वाली रेलवे लाइन। अच्छा ये देखिए, ये मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी कल परसों, तो दोस्तों मुझे तक आइडिया नहीं था, मैं इसके बगल में निकल गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो ये देखिए, ये आपको दिख रही है, ये है वो मीटर गेज बोलेंगे आप इसे, तो रेलवे की मीटर गेज है ये, क्योंकि चौड़ाई है। देखने में मीटर गेज इसलिए लग रही है क्योंकि इसकी चौड़ाई लगभग 1 मीटर की है, जो नॉर्मली हम जो ट्रेन होती है जिसे ब्रॉड गेज बोला जाता है वो होती है काफ़ी चौड़ी। तो ये दिख रहा है आपको, और ये आगे तक आ रही है, यहीं पर आगे रेलवे स्टेशन है आगे की तरफ, तो रेलवे स्टेशन से ये आ रही है रेलवे की मीटर गेज, और ये आगे तक जा रही है अभी। तो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब कितने जनों को ये वाली बात नहीं पता होगी, और ये मुझे भी नहीं पता थी, हम यहीं पे जन्मे, इसी शहर में जन्मे, पर ये चीज़ नहीं पता थी। आजा देखते हैं और आगे कहाँ तक है ये। और इस वक्त हम ये देखिए नीचे नीचे आपको दिख रही है, ये दिख रही है थोड़ी थोड़ी सी अभी दिख रही है, जब गंगा जी आ जाएंगी तो वापस ये छुप जाएगी अंदर नदी में और फिर ये नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा ये चीज़ आपको दिखाएं, पानी आने से पहले ही आपको दिखाई जाए आप लोगों को। तो रेलवे लाइन है, कितना है ना इंटरेस्टिंग अंग्रेजों के ज़माने में। अब मेरे ये चीज़ समझ नहीं आती कि यहाँ पे ये कब यूज़ होती थी, तो क्या पहले गंगा जी उस तरफ बहती थी, यहाँ इस तरफ थी नहीं अगर अंग्रेजों ने उस टाइम बनाई है तो। और थोड़ी सी यहाँ से टूटी हुई लग रही है, टूटी क्या हो गई, जब भी प्रेशर वगैरह आते होंगे या कुछ आते होंगे तो देखिए। तो ये जो मीटर गेज है जिसे छोटी बोलते हैं, ज़्यादातर ये यूज़ होती थी, ये आप देखिए ये मीटर गेज, तो यहाँ से उखड़ गई है ये, और आधी अभी आगे बची हुई है, तो देखिए आधी वहाँ से उखड़ गई है। तो जो प्रेशर आया होगा, यहाँ पे डैम भी है बांध, जो प्रेशर आएगा तो ये समय के साथ साथ, थपेलों के साथ साथ ये अपनी टूट गई। मैंने यहाँ पे जो पुराने लोग हैं उनसे भी मैंने ये बात करी, उन्होंने बताया था कि ये वाली जो लाइन है वो यूज़ होती थी, जैसे अधिकारी होते थे रेलवे के अधिकारी वगैरह, तो ये मॉनिटरिंग होती है या मतलब जो देखरेख वाली होती है वो गाड़ियाँ इसमें चलती थी, मतलब उन्होंने देखी है चलती हुई, ये बात सच है। जो बुजुर्ग है उन्होंने भी देखी है, लगभग बता रहे थे 50 या 60 साल पहले ऐसे था, छोटी गाड़ियाँ तो उन्होंने जो छोटी ट्रेन होती थी ना जो, वो तो यहाँ पे चलते हुए देखते। एक और ये दिख रहा है आपको, ये देखिए, तो ये उखड़ गई है फिर वापस आ गई है नीचे, यहाँ पे आपको फिर मिलेगी,
फिर से जमीन के नीचे, और ये ऐसे आगे बहुत आगे तक है, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन हो गया है, बिल्डिंगें बन गई हैं आगे, कई कई जगह पे है, कई कई जगह पे नहीं है, और ऐसे सीधी जा रही है। और साथ में रहता था ये वाला ब्रिज जो सीमेंट का ब्रिज था और सबसे मजबूत ब्रिज है ये आज भी, और बचा हुआ है सिर्फ एक ये धनुष पुल जो बचा है लोहे का ब्रिज आर पार करने को। और जो यहाँ पे तमाम ब्रिज थे ये धीरे धीरे जो भी आपको मैंने दिखाया सब हटा दिए गए यहाँ पर, ये सब यहाँ पे एक लोहे के पुल होते थे, ये सारे लोहे के पुल सबको हटा दिया गया है। अब पता नहीं कि कब तक काम शुरू होगा, नए ब्रिज बनाए जाएंगे क्योंकि सिर्फ ये अकेला ब्रिज तो पर्याप्त नहीं है, पर बनेंगे ज़रूर। तो इस टाइम बिना ब्रिज के लग रही है हरकी पौड़ी, और दबा के बुलडोज़र हरकी पौड़ी पर चल रहे हैं। अभी भी पुराने निशान दिख रहे हैं, देखिए ये वाली अभी भी पानी के अंदर है थोड़ी सी, और ये ऐसे ही ब्रिज के नीचे से पार करते हुए जाएगी, ये पूरी मीटर गेज रेलवे के जो आज लगते थे ये सारे नट बोल्ट अभी भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो अंग्रेजों का काम था ये। वैसे सिर्फ इमेजिन करिए क्या नज़ारा होगा ना कि यहाँ पे रेल चले और यहाँ पे माँ गंगा, मतलब अप्रतिम। बस वो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता था इसलिए शायद इसको हटा दिया गया है, पर मैं जो बहुत सारे जने उनको मैं बताऊं, हरकी पौड़ी का निर्माण ऐसे ही हुआ है, धीरे धीरे करके हुआ है, मतलब जो बोलते हैं ना अमृत की बूंदें ब्रह्मकुंड में गिरी थी, पर यहाँ पे जो नहर है ना इसे नीलधारा से जो है ना भीमगोड़ा बैराज उसके आगे से इसको लाया गया है, तो ये आर्टिफिशियल तरीके से यहाँ तक जल पहुँचाया गया, क्योंकि मानना ऐसा था संतों का कि जहाँ पे अमृत की बूंदें गिरी वहीं पे अगर स्नान करो तो सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसी वजह से यहाँ पे कुंभ लगता है ब्रह्मकुंड में, पर नदी को इसी तरीके से लाया गया है यहाँ पे गंगा जी की धाराओं को। इस तरफ देखिए किस तरीके से धनाधन बुलडोजर चल रहा है, और बहुत तोड़फोड़ फिलहाल तो मची हुई है हरकी पौड़ी पे। ये सब कुछ शायद बीच में एक ये पानी का बना रहे हैं ताकि लोगों को नहाने का पानी मिलता रहे। यहाँ देखिए ये भराव कर रहे हैं, वहाँ पर पानी मिलेगा जहाँ पे लोग नहाते रहेंगे। और वैसे तमाम पीछे सामने देखिए बिल्कुल सूखी पड़ी हुई है, ये दिख रहा है ब्रह्मकुंड जो आपके सामने है, और बिल्कुल जल नहीं है अभी तो, और बिना सारे जो यहाँ पे लोहे के ब्रिज थे सबको हटा दिया गया है। जो आप ये सारा स्ट्रक्चर देख रहे हो सब अंग्रेजों का बनाया गया है, ये पिलर उस टाइम के पिलर हैं ये, और ये देखिए जो रेल को सिग्नल वगैरह दिए जाते थे ये सब लगे हुए हैं। क्या है बीच में जो ये आर्टिफिशियल डैम बनाया जा रहा है थोड़ा सा जल बनाने को, और यहाँ पे देखिए पानी रोका गया है ताकि लोग नहा सके, और दबा दबा के चल रहा है बुलडोजर बीच में, पर ऐसा खुला खुला सा लग रहा है ना ये पुलों के बिना हरकी पौड़ी के, बस पहले पुल ही पुल थे। चलिए पास से और माँ गंगा के दर्शन कराता हूँ जो थोड़ी बहुत है। ये रही गंगा जी, और लोगों को बीच में जा जाके नहाना पड़ रहा है, ये देखिए। तो आ जाएगा दिवाली तक जल 5 बजे तक, फिलहाल तो हरिद्वार में जो बाहर से यात्री आ रहे हैं उन्हें हो रही है परेशानी। सामने के घाट भी देखिए तमाम खाली पड़े हैं बिल्कुल। तो दोस्तों यही थी हरकी पौड़ी से एक छोटी सी वीडियो, में यहाँ से निकल रहा था, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी वो रेलवे लाइन देखने की, आपको दिखाने की, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ से मैं आगे जाऊँगा, तो फ़ोन से जैसी बन रही है बने, पर मैंने आपको रेलवे लाइन दिखाई है और बताया भी है कि 1960 के बाद से इसका यूज़ नहीं हुआ है। 1960 से पहले यहाँ पे अधिकारी आते थे, इस लाइन का यूज़ करते थे, यहाँ पे मतलब मॉनिटरिंग होती थी, मीटर गेज है, छोटी वाली जो रेल लाइन होती है वो यहाँ पर है, जो अब साल भर माँ गंगा के नीचे रहती है, डूबी रहती है, और जब पानी रुका तो ये उभर के आई, निकल के आई। उम्मीद है मेरी तरह बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी जिन्हें जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट में हर हर महादेव हर हर गंगे ज़रूर लिखना, और आप सभी को फिर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव हर हर गंगे, नमस्कार।